सभी लोग विश करते हैं कि उनके पास एक पावरफुल लैपटॉप हो या फिर वो उनको ओन करें। एंड अगर आप भी उन लोगों में से हो ना जो कि ये सोचते हो कि उनके पास एक पावरफुल लैपटॉप हो, तो आज मैं आपको एक ऐसा ही पावरफुल लैपटॉप दिखाने वाला हूँ। आज की वीडियो के अंदर यहाँ पे मैं रिव्यू करने वाला हूँ Asus ROG Strix G513RW लैपटॉप का, एंड बाय रिव्यू आई मीन टू से इन डेप्थ रिव्यू। उससे पहले मैं आपको यहाँ पे कुछ चीजें बताने वाला हूँ, जैसे कि दिस इज नॉट अ पेड प्रमोशन, Asus इज नॉट गेटिंग एनी इनपुट ऑन द वीडियो प्रोडक्शन, एंड यहाँ पे उनको कोई भी प्रीव्यू नहीं दिखाया गया इस वीडियो को अपलोड या फिर पोस्ट करने से पहले। एंड हमेशा की तरह यहाँ पे जो वीडियो का लाइक है वो है 6000 लाइक्स का लाइक है, बिकॉज AMD Ryzen 6000 सीरीज। चलो सबसे पहले मैं आपको बताने वाला हूँ यहाँ पे बॉक्स कंटेंट्स के बारे में। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको देखने को मिलता है Asus ROG Strix G513RW लैपटॉप। उसके बाद आपको देखने को मिलता है Asus ROG वेबकैम। जो यहाँ पे थर्ड चीज है वो है यहाँ पे इसका 280 वॉट्स का पावर ब्रिक या फिर एडाप्टर, साथ ही साथ उसके आपको मिलती है पावर कॉर्ड। एंड जो यहाँ पे लास्ट चीज देखने को मिलती है वो है सम डॉक्यूमेंटेशन। अब मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ इसकी डिजाइन एंड क्वालिटी के बारे में कि ये लैपटॉप एक्चुअली में फील कैसा होता है, ये दिखता कैसा है। तो चलते हैं इसके डिजाइन के बारे में बात करते हैं। नाउ यहाँ पे जो लैपटॉप है ये लुक एंड फील वाइज एक टिपिकल ROG थीम लैपटॉप जैसा ही फील होता है। लैपटॉप के टॉप साइड पे आपको देखने को मिलेगा एक ROG लोगो जो कि यहाँ पे सिर्फ लाइट अप होता है इन व्हाइट कलर। एंड यहाँ पे आप इसको टर्न ऑफ नहीं कर सकते हो थ्रू दी आर्मरी क्रिएट सॉफ्टवेयर। आपको यहाँ पे एनिमे मैट्रिक्स इंस्पायर्ड डिजाइन भी देखने को मिलेगा जो कि ऑब्वियसली यहाँ पे लाइट अप नहीं होने वाला, उस चीज की टेंशन मत लेना। अगर आप यहाँ पे थोड़ा क्लोजली देखोगे तो आपको जो जी लेटर है वो भी दिखेगा इसके अंदर। आपको यहाँ पे ROG Strix G's आर्मर कैप भी देखने को मिलेगी जो कि यहाँ पे आती है मैट फील के साथ। एंड यहाँ पे जो स्प्लैश ऑफ नियॉन टाइप कलर्स है ना, ये काफी ज्यादा ऑसम दिखते हैं। उसी के साइड में आपको देखने को मिलेंगे सम एयर वेंट्स फॉर एयर इनटेक, बिलो यू विल गेट अ लाइट बार जो कि यहाँ पे बहुत ही ऑसम अंडरग्लो इफेक्ट क्रिएट करता है। एंड यहाँ पे आप इसके इफेक्ट्स एंड कलर्स को कंट्रोल कर सकते हो थ्रू दी आर्मरी क्रिएट सॉफ्टवेयर। लैपटॉप के बेस पे आपको देखने को मिलेंगी काफी सारी रबर फीट्स, जिनमें से कुछ नॉर्मल एंड काफी सारी जो है वो काफी यूनिक एंड हिडन डिटेल्स के साथ आती है। जैसे कि आप यहाँ पे देख पाओगे लिखा हुआ है फॉर दोज हू डेयर, जो यहाँ पे सेकंड रबर फीट है उसका जो कलर है वो है नियॉन ग्रीन, एंड उसके ऊपर लिखा गया है बैक ऑन द टॉप विद ROG लोगो। यहाँ पे ना एक डेट भी मेंशन है, मुझे इसके बारे में जरूर पता है, मैं जानना चाहता हूँ कि आपको पता है कि नहीं पता, तो कमेंट सेक्शन में मुझे आके बताओ। जिसका आंसर सही होगा ना उसको एक गिव अवे आराम से मिलेगा, टेंशन की बात नहीं है। इंस्टाग्राम पे जरूर फॉलो कर लेना। उसी के साथ आपको मिलती है यहाँ पे दो सेपरेट ग्रिल्स फॉर स्मार्ट एम स्पीकर्स पेयर्ड विद डॉल्बी एटमॉस। एंड यहाँ पे बॉटम पार्ट पे आपको काफी सारे एयर वेंट्स देखने को मिलेंगे टू कीप द कंपोनेंट्स कूल। जब आप लैपटॉप को पूरा बंद कर देते हो तो यहाँ पे जो उसकी थिकनेस निकल के आती है वो आती है रफली अराउंड 1 इंच। इट इज रियली इजी टू ओपन दिस लैपटॉप विद 1 हैंड बिकॉज यहाँ पे जो वेट डिस्ट्रीब्यूशन है वो काफी अच्छा है। साथ ही साथ आपको यहाँ पे एक एक्स्ट्रा प्लास्टिक पार्ट भी मिलता है जो कि अलग से प्रोट्रूड हो रहा है, जिसकी हेल्प से आप यहाँ पे स्क्रीन को लिफ्ट करके ओपन कर सकते हो। कीबोर्ड एंड टचपैड एरिया में भी आपको यहाँ पे सिमिलर एनिमे मैट्रिक्स इंस्पायर्ड डिजाइन देखने को मिलेगा जो कि काफी कूल एंड काफी गेमर टाइप फील देता है। एंड यहाँ पे इस लैपटॉप का जो वेट है वो है रफली अराउंड 2.3 kg। अब बात करते हैं यहाँ पे इसकी क्वालिटी के बारे में। तो यहाँ पे जो Asus का ROG Strix G513RW लैपटॉप है ये एक वेल कंस्ट्रक्टेड लैपटॉप है जिसकी ओवरऑल कंस्ट्रक्शन कंसिस्ट करती है हाई क्वालिटी प्लास्टिक एंड हाई ग्रेड एल्यूमिनियम। क्वालिटी ऑफ दिस लैपटॉप फील्स प्रीमियम एंड सॉलिड, एंड जब आप इसको हाथ में लोगे ना एक्चुअली में, तो आपको फील होगा कि आपने एक्चुअली में कोई क्वालिटी प्रोडक्ट को होल्ड कर रखा है अपने हाथ। चलो अब बात करते हैं इस लैपटॉप की डिस्प्ले के बारे में। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे जो हिंजेस है वो काफी ज्यादा स्मूथ एंड स्टर्डी फील होते हैं। टॉकिंग अबाउट द स्क्रीन फ्लेक्स, तो वो आपको यहाँ पे काफी स्लाइट सा देखने को मिलेगा, एंड ये काफी ज्यादा एक्सेप्टेबल है बिकॉज यहाँ पे काफी सारे लैपटॉप्स के अंदर इससे भी ज्यादा वर्स स्क्रीन फ्लेक्स देखने को आपको मिलेगा। एंड मैं आपको बताना चाहूंगा कि स्क्रीन फ्लेक्स हर एक लैपटॉप में होता है। जो आपको यहाँ पे बेजल्स मिलते हैं 3 साइड्स पे वो काफी थिन है, एंड उनकी जो थिकनेस है वो सिर्फ है 0.4 cm की। यहाँ पे जो स्क्रीन आती है मैट या फिर एंटी ग्लेयर टाइप की फिनिश के साथ जो कि एक काफी अच्छी बात है। अब बात करते हैं यहाँ पे इस डिस्प्ले के कुछ की फीचर्स के बारे में। जैसे कि यहाँ पे इसका जो स्क्रीन साइज है वो है 15.6 इंच का। बात करें रेजोल्यूशन की तो वो आती है 2560x1440p, मतलब के 2K रेजोल्यूशन वाली डिस्प्ले आपको देखने को मिलती है। एक बात मैं बोलना चाहूंगा कि कंसिडरिंग द रेजोल्यूशन एंड द स्क्रीन साइज, जो यहाँ पे ओवरऑल पिक्चर क्वालिटी थी स्क्रीन की वो काफी ज्यादा क्रिस्प है एंड काफी ज्यादा शार्प है जो कि मुझे काफी पसंद आई। बात करें यहाँ पे डिस्प्ले के अंदर क्या
पैनल यूज करा गया, तो वो है IPS पैनल, जो कि यहाँ पे जाना जाता है फॉर गुड कलर रिप्रोडक्शन। बात करें यहाँ पे रिफ्रेश रेट की, तो आपको मिलता है 165 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट, एंड रिस्पांस टाइम की बात करें तो वो है 3 मिलीसेकंड का। अब क्योंकि एक IPS पैनल है तो इससे इतना रिस्पांस टाइम मिलना क्वाइट ऑब्वियस है। DCI P3 कलर गैमेट की जो कवरेज है वो है 100% की, एंड यहाँ पे ये वाला जो डिस्प्ले है सपोर्ट करता है डॉल्बी विजन HDR को भी। नाउ बिकॉज यहाँ पे IPS पैनल है तो IPS ग्लो होना काफी नॉर्मल सी बात है। मेरे यूनिट के अंदर यहाँ पे टॉप राइट कॉर्नर पे काफी शार्प IPS ग्लो विजिबल था, बट अगर ओवरऑल बोलूं तो यहाँ पे IPS ग्लो काफी नॉर्मल सा था एंड कुछ भी ऐसा नहीं है जो कि कंसर्निंग हो। एट लास्ट मैं बोलना चाहूंगा कि डिस्प्ले इज क्रिस्प एंड कलरफुल। अब बात करते हैं यहाँ पे कीबोर्ड की एंड ट्रैक पैड की। कीबोर्ड के अंदर हमको मिलती है बैकलेट चिकलेट पर की RGB, एंड यहाँ पे हमको टोटल 89 कीज मिलती है विद 5 डेडिकेटेड हॉट कीज फॉर क्विक एक्सेस। जो यहाँ पे इफेक्ट्स हैं, जो कलर्स हैं, वो कंट्रोल हो सकते हैं थ्रू दी आर्मरी क्रिएट सॉफ्टवेयर। जो यहाँ पे टच पैड है वो काफी स्मूथ है, एंड यहाँ पे जो फिंगर टिप है ना वो इजिली ग्लाइड होती है। एंड अगर हम नॉर्मली किसी ट्रेडिशनल टच पैड से इसको कंपेयर करें तो जो सर्फेस एरिया है वो कंपेरेटिवली ज्यादा बड़ा है या फिर लार्ज है। टच पैड के एरिया की बात करें तो वो है 98.8 सेंटीमीटर स्क्वायर। हमको यहाँ पे 4 LED इंडिकेटर्स भी मिलेंगे फॉर इंपॉर्टेंट इंडिकेशन, एंड ऑल्सो AMD Ryzen 6000 सीरीज एंड NVIDIA RTX का भी स्टिकर आपको मिलेगा। अब मैं आपको बताता हूँ यहाँ पे इसके IO पोर्ट्स एंड इसकी कनेक्टिविटी के बारे में। लेफ्ट साइड की बात करें तो आपको मिलते हैं 2 USB 3.2 Gen 1 Type A पोर्ट्स एंड एक 3.5mm ऑडियो जैक कॉम्बो। राइट साइड पे आपको कोई भी पोर्ट देखने को नहीं मिलेगा। बात करें यहाँ पे बैक साइड की तो आपको देखने को मिलता है एक चार्जिंग पोर्ट, एक RJ45 LAN पोर्ट, एक HDMI 2.0 B पोर्ट, एक USB 3.2 Gen 2 Type C पोर्ट एंड एक वो वाला USB 3.2 Gen 2 Type C पोर्ट जो कि सपोर्ट करता है डिस्प्ले एंड पावर डिलीवरी को। बात करें यहाँ पे कनेक्टिविटी की तो आपको यहाँ पे सपोर्ट मिलता है ऑफ Wi-Fi 6E का, जो कि लेटेस्ट है अभी के लिए, एंड साथ ही साथ आपको यहाँ पे सपोर्ट मिलता है ऑफ ब्लूटूथ 5.2। अब चलते हैं यहाँ पे नेक्स्ट सेक्शन की तरफ, जो कि है कूलिंग एंड एयर वेंट्स। तो ये काफी डिफरेंट टाइप का सेक्शन बनाया मैंने, जिसके अंदर मैं यहाँ पे बात करूंगा कि कितने एयर वेंट्स मिलते हैं, कूलिंग किस टाइप की है, क्या टाइप की टेक्नोलॉजी यूज करी गई है हार्डवेयर को यहाँ पे कूल करने के लिए, वो सारी चीजें मैं इसके अंदर बताने वाला हूँ, ठीक है ना। देखो यहाँ पे आपको इस लैपटॉप के अंदर मिलते हैं 4 फैन आउटलेट्स, जो कि यहाँ पे प्रेजेंट है ऑन दी लेफ्ट एंड राइट साइड, एंड 2 यहाँ पे प्रेजेंट है एट दी बैक साइड। ये बेसिकली काम करते हैं हॉट एयर को बाहर थ्रो करने का। एंड अगर बात करें यहाँ पे इनटेक की, तो यहाँ पे आपको टॉप एंड बॉटम सेट में मिलती है ग्रिल्स, जो कि यहाँ पे रिस्पॉन्सिबल है फॉर टेकिंग इन दी फ्रेश एयर। यहाँ पे एक और काफी यूनिक चीज है, जो कि है कि आपको CPU के ऊपर मिलता है लिक्विड मेटल प्री अप्लाइड, जो कि यहाँ पे हेल्प करेगा टू कीप दी CPU कूल एंड प्रोवाइडिंग एक्स्ट्रा हेडरूम, सो दैट यहाँ पे जो CPU की फ्रीक्वेंसी वो और भी अच्छे से बूस्ट हो पाए। इस वाले लैपटॉप के अंदर हमको देखने को मिलते हैं Asus के आर्क फ्लो फैंस, जो कि यूज में लेते हैं 84 कर्व्ड ब्लेड फॉर मैक्सिमाइजिंग एयर फ्लो एंड मिनिमल नॉइस। एंड अगर बात करें यहाँ पे हीट पाइप्स की, तो आपको मिलते हैं टोटल 6 हीट पाइप्स, जो कि कवर करते हैं CPU, GPU, VRAM एंड VRM को टू कीप द कंपोनेंट्स कूल, सो दैट आपके यहाँ पे जो कंपोनेंट्स है वो बूस्ट हो पाए एंड ऑल्सो यहाँ पे जो कंपोनेंट्स है उनकी लाइफ स्पैन अच्छी रहे। अब मैं आपको बताता हूँ यहाँ पे काफी इंपॉर्टेंट सेक्शन का मेरी वीडियो के अंदर, जो कि है टेम्परेचर्स। देखो लैपटॉप के जो टेम्परेचर्स होते हैं ना, एंड जब इतना पावरफुल लैपटॉप हो तो टेम्परेचर्स बहुत मैटर करते हैं। तो यहाँ पे मैंने टोटल 3 सिनेरियोस लिए हैं, जो कि है सबसे पहला आइडल, कि आइडल पे आप कुछ नहीं कर रहे हो, आपके CPU एंड GPU के टेम्परेचर्स कैसे हैं लैपटॉप के अंदर। उसके बाद यहाँ पे जो सेकंड सिनेरियो है वो ये है कि आप जब इसको पावर ब्रिक से कनेक्ट करते हो तो इसके GPU एंड CPU के टेम्परेचर्स कितने रहते हैं जब हम इसके ऊपर लोड डालते हैं, एंड इवन मैं आपको पावर कंजप्शन भी बताऊंगा। यहाँ पे जो थर्ड सिनेरियो है वो इस चीज के ऊपर है कि जब आप इसके पावर ब्रिक को डिस्कनेक्ट कर देते हो, सिर्फ लैपटॉप की बैटरी पे इसको ऑपरेट कर रहे हो, फिर कितने टेम्परेचर्स आते हैं, बिकॉज अगेन वहाँ पे पावर कंजप्शन कम होंगी, विच लीड्स टू लो टेम्परेचर्स, एंड ऑब्वियसली वो अपने आपको डाउन क्लॉक भी करेंगे कंपोनेंट, जैसे कि CPU एंड GPU। तो यहाँ पे ये वाले जो कंपोनेंट से कैसे बिहेव करते हैं वो मुझे आपको बताना है। तो अब चलते हैं टेस्टिंग की तरफ। अरे एक चीज तो बताना ही भूल गया, मेरे रूम का जो एम्बिएंट टेम्परेचर है वो है 26 डिग्री सेल्सियस। तो इस चीज को ध्यान में रखते हुए इनको जज करना, ठीक है ना। सबसे पहले बात करते हैं आइडल CPU एंड GPU टेम्परेचर की। तो यहाँ पे जो आइडल CPU टेम्परेचर है वो है 64 डिग्री सेल्सियस, एंड यहाँ पे जो आइडल कंडीशन में पावर कंजप्शन था वो था 10 से 11 वॉट्स का। उसके बाद बात करें GPU की, तो वो है 56 डिग्री सेल्सियस, एंड यहाँ पे जो आइडल पावर कंजप्शन है वो है 21 वॉट्स का। उसके बाद चलते हैं हम यहाँ पे आर्टिफिशियल लोड, जो कि हमने डाला है ऑन CPU एंड GPU फॉर मेजरिंग द मैक्सिमम टेम्परेचर। तो यहाँ पे CPU को स्ट्रेस करने के लिए हमने यूज करा है Cinebench R20। मैंने इसको लूप में चलाया था Cinebench R20 को। तो यहाँ पे जो मैक्सिमम टेम्परेचर आते हैं वो है 95 डिग्री सेल्सियस फॉर द CPU। एंड वेट अ मिनट, अगर आपको लग रहा है कि टेम्परेचर्स हाई हैं, जो कि एक्चुअली मैं आपको बताना चाहूंगा कि लैपटॉप के सेंस में आई थिंक इतने टेम्परेचर्स काफी डिसेंट माने जाते हैं, तो यहाँ पे अच्छी बात यह है कि जो कोर्स थी ना 6900HX की, वो इजिली बूस्ट हो रही थी टू 4.2 GHz, जो कि एक अच्छी खासी फ्रीक्वेंसी है। एंड अगर बात करें यहाँ पे पावर कंजप्शन की, तो वो जा रही थी अराउंड 74 वॉट्स की। उसके बाद बात करते हैं यहाँ पे GPU की। तो यहाँ पे GPU को टेस्ट करने के लिए मैंने यूज करा है Fermark with 4K रेजोल्यूशन एंड 8X MSAA एंटी एलियसिंग। GPU का जो टेम्परेचर है वो जाता है टू 86.5 डिग्री सेल्सियस मैक्सिमम, एंड यहाँ पे जो कोर क्लॉक थी वो इजिली हवर कर रही थी टू 1590 MHz, एंड यहाँ पे जो पावर कंजप्शन था वो आराम से जा रहा था 150 वॉट्स तक। एक चीज और बताना चाहूंगा कि यहाँ पे जो GPU एंड CPU का फैन कर्व है वो सेट
सेट कर रखा है टू टर्बो मोड फ्रॉम एसुस आर्मरी क्रिएट सॉफ्टवेयर। अब बात करते हैं जब हमने पावर ब्रिक को डिस्कनेक्ट कर दिया है उसके बाद क्या टेम्परेचर पे इफेक्ट पड़ता है, क्या पावर कंजप्शन पे इफेक्ट पड़ता है एंड क्या फ्रीक्वेंसीज पे इफेक्ट पड़ता है। तो अगेन सारे के सारे टेस्ट मैंने वही रन करे हैं, बट यहाँ पे जो सीपीयू का टेम्परेचर अब आता है वो है 65 डिग्री सेल्सियस एंड यहाँ पे जो पावर कंजप्शन है वो जा चुका है टू 16 वॉट्स एंड यहाँ पे जो 6900HX है उसकी जो ऑल कोर्स है वो जा रही है टू 2 गीगाहर्ट्ज़ एंड अगर मैं कंपेयर करूँ यहाँ पे इसका मल्टी कोर स्कोर ऑन R20 आफ्टर प्लगिंग आउट दी पावर ब्रेक तो वो है 135% स्लो। उसके बाद बात करें जीपीयू टेम्परेचर की तो वो है 70 डिग्री सेल्सियस एंड यहाँ पे जो पावर कंजप्शन है वो आ चुका है टू 54 वॉट्स एंड उसके बाद यहाँ पे जो जीपीयू की कोर क्लॉक है वो जा रही है टू 450 मेगाहर्ट्ज़ जो कि आप देख ही सकते हो कितना बड़ा डिफरेंस है। अब बात करते हैं यहाँ पे इसकी स्पेक्स एंड अपग्रेडेबिलिटी पाथ के बारे में। तो देखो यहाँ पे आपको दो रैम स्लॉट्स मिलेंगे जिसके अंदर आप मैक्सिमम 32GB तक की मेमोरी लगा सकते हो। इस लैपटॉप के अंदर आपको मिलती है दोनों के दोनों स्लॉट्स प्री ऑक्यूपाइड जिसका मतलब ये कि हमको मिलती है 16GB की रैम एंड यहाँ पे दोनों के दोनों क्योंकि स्लॉट्स ऑक्यूपाइड है तो 8GB की स्टिक्स दोनों में लगी हुई है, ठीक है ना। तो यहाँ पे कोई अपग्रेडेबिलिटी ऑप्शन नहीं है अंटिल अनलेस आप कोई अलग से DDR5 रैम खरीदते हो एंड फिर उसको कैपेसिटी के टर्म्स में अपग्रेड करते हो। उसके बाद बात करें यहाँ पे स्टोरेज के अपग्रेडेबिलिटी पाथ की तो यहाँ पे आपको दो M.2 स्लॉट्स मिलते हैं, एक के अंदर आपको मिलती है 1TB की NVMe Gen 4 बेस्ड SSD एंड एक आपको यहाँ पे वेकेंट मिलता है। तो अगर आपको यहाँ पे स्टोरेज को इंक्रीज करना है तो आपके पास ये ऑप्शन है। बात करें यहाँ पे इसकी 1TB की जो आपको NVMe SSD मिलती है जो कि PCIe Gen 4 बेस्ड है तो उसकी स्पीड्स कितनी है तो मैं आपको अभी बता देता हूँ। तो यहाँ पे जो मैक्सिमम रीड एंड राइट स्पीड्स है वो जाती है अप टू 3600 मेगाबाइट्स पर सेकंड एंड 3440 मेगाबाइट्स पर सेकंड रिस्पेक्टिवली एंड यहाँ पे जो सेकंड स्लॉट है वो Gen 4 बेस्ड है या फिर नहीं उसको टेस्ट करने के लिए मैंने इसी सेम NVMe SSD को उसके अंदर लगा के देखा एंड जो रिजल्ट थे वो सिमिलर थे तो ऐसा मुझे लगता है कि ये भी Gen 4 बेस्ड है, ठीक है ना। उसके बाद बात करें यहाँ पे इसके CPU की तो आपको मिलता है AMD का Ryzen 9 6900HX जो कि आता है 8 कोर्स एंड 16 थ्रेड्स के साथ। इसकी जो सिंगल कोर बूस्ट है वो है 4.9 GHz की एंड यहाँ पे आपको मिलती है 20MB की कैश। बात करें इस वाले CPU के Cinebench R20 स्कोर की तो वो आता है मल्टी कोर स्कोर के अंदर 5667 का एंड जो सिंगल कोर स्कोर है वो है 581 का। अब अगर हम इसको कंपेयर करें विद इट्स प्रीडिसेसर जो कि है 5900HX तो वहाँ पे जो मल्टी कोर स्कोर है वो है 4946 एंड वहाँ पे जो सिंगल कोर स्कोर है वो है 576। तो 6900HX 15% फास्ट है इन मल्टी कोर स्कोर एंड 2-3% फास्ट है इन सिंगल कोर स्कोर। बात करें यहाँ पे ग्राफिक कार्ड की तो आपको देखने को मिलता है NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti लैपटॉप GPU एंड ये 150 वॉट्स की TGP के साथ आता है। इसकी जो VRAM है वो है यहाँ पे 8GB की जो कि ऑनेस्टली 1440p गेमिंग के लिए मेरे हिसाब से इनफ है। इस वाले लैपटॉप के अंदर जो आपको रैम भी है ना वो बिल्कुल लेटेस्ट मिलती है जो कि है 16GB की रैम जो कि DDR5 है इसलिए मैंने बोला कि लेटेस्ट मिलती है एंड इनकी जो फ्रीक्वेंसी है वो है 4800 मेगाहर्ट्ज़ यानी सैमसंग की तरफ से आती है, ठीक है। अब बात करते हैं यहां पे डिटेल में बैटरी ड्रेनेज एंड बैटरी चार्जिंग के टाइम पे, ठीक है ना। तो यहाँ पे आपको मिलती है 90 वॉट आर की बैटरी जो कि यहाँ पे 4 सेल लिथियम आयन बैटरी है। अब बात करते हैं यहाँ पे बैटरी ड्रेनेज टेस्ट की जो कि मैंने यहाँ पे कंडक्ट करा है विद 50% ऑफ ब्राइटनेस लेवल एंड यहाँ पे जो मैंने टेस्ट यूज करा है वो है यूनिजिन हेवन 4.0 एंड यहाँ पे इसको मैंने लूप में यूज करा है। तो यहाँ पे 100-50% जो लैपटॉप है वो आ जाता है इन 25 मिनट्स एंड 34 सेकंड्स एंड 50-3% पे आता है इन 32 मिनट्स एंड 32 सेकंड्स। तो यहाँ पे जो लैपटॉप है कंप्लीट शटडाउन हो जाता है एट 3% एंड वहीं पे बात करें कि लैपटॉप को चार्ज होने में कितना टाइम लगता है तो वो है अराउंड 2 आवर्स इजीली पूरा चार्ज हो जाता है लैपटॉप, कोई इशू वाली बात। अब बात करते हैं यहाँ पे इस लैपटॉप के स्पीकर्स के बारे में कि यहाँ पे जो स्पीकर्स हमको मिलते हैं क्योंकि वो स्मार्ट एम्प स्पीकर्स हैं तो वो कैसे साउंड करते हैं। ऑनेस्टली बोलूंगा आज से पहले मैंने जितने भी लैपटॉप्स को सुना है वो इतने अच्छे साउंड कभी नहीं करते हैं। ये बहुत अच्छे स्पीकर्स हैं इसके अंदर, इवन यहाँ पे जो मिड टोन्स हैं जो हाई टोन्स हैं ना वो काफी क्रिस्प है। अब साउंड की बात कर ही रहे तो बात करते हैं अकूस्टिक्स की भी कि ये साउंड कैसा करता है जब इसके डिफरेंट फैन कर्व्स को सेट करा जाता है जैसे कि नॉर्मल मोड, परफॉर्मेंस मोड, टर्बो मोड या फिर मैनुअल मोड। तो चलते हैं इसको भी टेस्ट करते हैं कि कितना लाउड हो जाता है ये डिफरेंट फैन कर्व्स पे। अब जो ये वीडियो आप लोग देख रहे हो डायरेक्टली कैप्चर करी गई है इसके वेबकैम से जो कि जस्ट मेरे सामने लगा हुआ है एंड यहाँ पे आप मुझे जरूर बताना कमेंट सेक्शन के अंदर कि इसकी जो पिक्चर क्वालिटी है आपको कैसी लग रही है। टू बी ऑनेस्ट अगर मुझसे पूछो मुझे डिसेंट लग रही है, जो एक्सपोजर लेवल्स हैं वो अपने आप ही ऊपर नीचे हो रहे हैं। आई थिंक ये शायद से इनके प्रो मोड में जाके जो कैमरा ऐप आती है माइक्रोसॉफ्ट की वहां से जाके ठीक हो भी सकता है, बट पक्का नहीं पता मुझे ये चीज। एंड जो ऑडियो आप सुन पा रहे हो वो भी कैप्चर हो रही है इसके माइक्रोफोन से तो उसकी भी क्वालिटी मुझे बता देना कि कैसी क्वालिटी ऑडियो की, ठीक है ना। अच्छी बात यह है कि यहाँ पे ये रिकॉर्ड कर सकता है अप टू 1080p 60fps एंड यहाँ पे मैं इसके अंदर आपको ऑटो फोकस भी मिलता है तो आपको जरा ऑटो फोकस टेस्ट भी करके दिखा दूं कि फोकस काम कैसा करता है। देखा ना आपने इसने फोकस चेंज करा अपना। एक जो चीज जो कि मुझे कंसर्निंग लगती है वो ये है कि इसका जो ओवरऑल डिजाइन अप्रोच है ना वो और अच्छी हो सकती थी।
कीपिंग दैट इन माइंड कि इतना बेहतरीन दिखने वाला लैपटॉप है, इतना अच्छा एडवांस्ड डिजाइन है इसका, उसके बाद एक ऐसा वेबकैम यहाँ पे दिया जा रहा है जो कि जस्ट ऐसे ऊपर अटैच हो जाता है, एंड फिर उसकी जो वायर्स हैं वो भी ऊपर ऐसे अनटाइडी सी होते हुए आ रही है। मेरे हिसाब से ऊपर अगर कॉन्टैक्ट पैड दे देते मैग्नेटिक तो वो एक अच्छी डिजाइन अप्रोच हो सकती थी, बट अगेन मैं इस उसमें काम नहीं करता हूँ, ठीक है। तो मैं जस्ट एक रिव्यूअर पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूँ कि मुझे सब्जेक्टिव हो सकता है ये, मुझे थोड़ा अनटाइडी लगा, जैसे मैं यहाँ पे वायर्स देख पा रहा हूँ, मैं आपको दिखा भी दूंगा, तो इस वजह से मुझे थोड़ा ऐसा लगा, बाकी तो ठीक है। अब मैं कुछ बोल नहीं सकता इसके अंदर, बेजल्स को थिन करने के लिए ये करा जाता है, बट कोई बात नहीं, अब दिया है उन्होंने ऐसे, तो मैंने आपको बता दिया कि मुझे पर्सनली अच्छा नहीं लगा, मुझे थोड़ा अनटाइडी लगा, ऊपर ऐसे लगा हुआ है, वायर्स ऐसे आ रहे हैं तो वो थोड़ा अनटाइडी लगता है, बट चलो कोई बात नहीं, अब इसमें ज्यादा कुछ कर नहीं सकते क्योंकि लैपटॉप बन चुका है एंड अब हमारे हाथ में है, ठीक है, तो क्या ही बोले। यहाँ पे जो सबसे पहला गेम है वो है Assassin's Creed Valhalla, जिसको मैंने चलाया है हाई सेटिंग प्रीसेट पे, एंड यहाँ पे जो एंटी एलिजिंग है उसको मैंने रखा है हाई पे। इस वाले गेम के अंदर हमको वेल ओवर 60 FPS मिलते हैं, इजीली बहुत स्मूथ गेम प्ले हमको देखने को मिलता है। मैंने यहाँ पे टॉप लेफ्ट कॉर्नर पे कुछ इंपॉर्टेंट डेटा भी आपके साथ शेयर करा है, सो दैट आपके लिए अंडरस्टैंड करना और भी इजी हो जाए कि लैपटॉप किस तरीके से बिहेव करता है गेमिंग के टाइम पे। एंड सही में मैं सरप्राइज था कि एक लैपटॉप के साथ वो भी 1440p रेजोल्यूशन पे हमको ऐसे FPS मिलते हैं, वो भी इस AAA टाइटल पे, वो मेरे लिए काफी शॉकिंग चीज थी। इसका मतलब यह है कि मुझे अच्छा लगा कि जितने FPS इसने दिए वो मुझे एक्सपेक्टेड नहीं था एक्चुअली में। उसके बाद यहाँ पे जो नेक्स्ट गेम है वो है Battlefield 5, जिसको मैंने चलाया है हाई सेटिंग प्रीसेट पे, एंड यहाँ पे भी हमको इजीली 100+ FPS मिलते हैं, एंड ऑनेस्टली बोलना चाहूंगा मेरा वन ऑफ द फेवरेट AAA टाइटल गेम है ये, एंड यहाँ पे इवन 1% लोस भी काफी ज्यादा कंसिस्टेंट थे। उसके बाद चलते हैं हम नेक्स्ट गेम की तरफ, जो कि है Doom Eternal, एंड इसको मैंने यहाँ पे चलाया है नाइटमेयर प्रीसेट पे। इस वाले गेम के अंदर हमको मिलते हैं इजीली 150+ FPS, एंड मैं आपको एक चीज बोलना चाहूंगा कि यहाँ पे ये ऐसा गेम है जो कि एक्चुअली में जितने FPS ज्यादा मिले ना आपको उतना ज्यादा मजा आता है इसको खेलने में, बिकॉज ऑफ स्मूथ एनिमेशंस एंड इफेक्ट। जो यहाँ पे नेक्स्ट गेम है उसका नाम है मेट्रो एक्सोडस, जिसको मैंने चलाया है हाई सेटिंग प्रीसेट पे, एंड यहाँ पे जो एनिस्ट्रोपिक फिल्टरिंग है उसको रखा है 16x पे। हमको यहाँ पे इजीली 60+ FPS मिलते हैं, एंड यहाँ पे जो ओवरऑल एक्सपीरियंस है वो काफी ज्यादा स्मूथ रहा मेरा। अब यहाँ पे जो नेक्स्ट गेम है वो है शैडो ऑफ द टूम रेडर, जिसको मैंने बेंचमार्क करा है ऑन हाईएस्ट सेटिंग प्रीसेट, एंड यहाँ पे जो एंटी एलियासिंग है उसको मैंने रखा है TAA के ऊपर। इस वाले गेम के अंदर भी हमको इजीली 80+ FPS मिलते हैं, एंड यहाँ पे भी जो एक्सपीरियंस था वो काफी ज्यादा स्मूथ था। एंड यहाँ पे आप एक चीज नोटिस करो कि जो जीपी के टेम्परेचर्स हैं वो काफी सही देखने को मिल रहे हैं, कंसीडरिंग दैट कि एक RTX 3070 Ti है। उसके बाद यहाँ पे जो नेक्स्ट गेम है वो है Red Dead Redemption 2, जिसको मैंने बेंचमार्क करा है ऑन हाई सेटिंग प्रीसेट विद FXAA ऑन, एंड यहाँ पे भी हमको इजीली वेल ओवर 70 FPS मिलते हैं, एंड इस वाले गेम के अंदर भी जो एक्सपीरियंस था वो काफी ज्यादा स्मूथ था। जो यहाँ पे नेक्स्ट गेम है वो है Watch Dogs Legion, जिसको मैंने चलाया है वेरी हाई सेटिंग प्रीसेट पे, एंड यहाँ पे भी हमको वेल ओवर 70 FPS मिलते हैं विद कंसिस्टेंट 1% लोस, एंड ऑनेस्टली बोलूंगा काफी ब्यूटीफुल लुकिंग गेम है ये वाला। उसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट गेम की तरफ, जो कि है Far Cry 6, जिसको मैंने चलाया है अल्ट्रा सेटिंग प्रीसेट पे विद एंटी एलियासिंग सेट टू TAA, एंड यहाँ पे भी हमको इजीली वेल ओवर 70 FPS मिलते हैं, एंड अगर आपने ये वाला गेम अभी तक ट्राई नहीं करा तो एक बार खेल के देखना, काफी अच्छा गेम है। उसके बाद यहाँ पे जो नेक्स्ट गेम है वो है Apex Legends, इस गेम को मैंने चलाया है मैक्स आउट सेटिंग्स पे, एंड यहाँ पे जो मैंने टेक्सचर्स है उनको सेट करा है टू वेरी हाई विद एंटी एलियासिंग सेट टू TSAA, एंड इस वाले गेम के अंदर भी हमको इजीली वेल ओवर 120 FPS देखने को मिल जाते हैं। वैसे मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि आप इस वाले गेम को 1080p पे खेलो, बिकॉज यहाँ पे ये कॉम्पिटेटिव गेम है, तो अगर आपको अपने विनिंग चांसेस इंक्रीज करने हैं गेम के अंदर तो आप यहाँ पे सेटिंग्स को थोड़ा कम कर सकते हो, एंड ऑल्सो रेजोल्यूशन को सेट कर सकते हो टू 1080p, जिसकी वजह से FPS इंक्रीज हो जाएंगे, एंड यहाँ पे आपको उसके अलग अलग बेनिफिट्स देखने को मिलते हैं जो कि मैंने एक अलग से वीडियो में एक्सप्लेन कर रखा है। उसके बाद चलते हैं यहाँ पे नेक्स्ट गेम की तरफ, जो कि है CS:GO, सबका फेवरेट गेम, एंड यहाँ पे इसको मैंने चलाया है हाई सेटिंग्स पे, एंड यहाँ पे एंटी एलियासिंग को रखा है 8xMSAA के ऊपर, एंड यहाँ पे जो टेक्सचर फिल्टरिंग है उसको रखा है 16x पे। इस वाले गेम के अंदर हमको इजीली वेल ओवर 350 FPS मिल जाते हैं, जो कि इस गेम के लिए वेल इनफ है। उसके बाद चलते हैं यहाँ पे नेक्स्ट गेम की तरफ, जो कि है Cyberpunk 2077, जिसको मैंने यहाँ पे बेंचमार्क करा है ऑन हाई सेटिंग प्रीसेट विद टेक्सचर सेट टू हाई, एंड यहाँ पे हमको इस वाले गेम के अंदर मिलता है 57 FPS का एवरेज, जो कि मैं बोलूंगा कि ठीक ठाक है इस गेम के हिसाब से, क्योंकि हम 1440p पे भी इसको चला रहे हैं तो ये चीज भी कंसिडर करने वाली है। बट एक चीज बोलनी पड़ेगी कि ये वाला जो गेम है ना, आप इजीली बोल सकते हो कि गेम अनऑप्टिमाइज है, बिकॉज मैंने इस पे एक्चुअली में काफी सारे डेस्कटॉप लेवल के ग्राफिक कार्ड को भी बेंचमार्क करके देखा है, एंड ये एक ऐसा गेम है जिसके अंदर आप कितना भी अच्छा ग्राफिक कार्ड लगा लो, ये गेम हमेशा स्ट्रगल करेगा आपको अच्छे FPS देने में, अंटिल एंड अनलेस आप बिल्कुल लो सेटिंग्स पे ना खेलो, एंड उसके बाद आपको मजा भी नहीं आने वाला लो सेटिंग्स पे, बिकॉज इस गेम की ब्यूटी को एंजॉय करना इंपॉर्टेंट है। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट गेम की तरफ, जो कि अगेन मेरा बहुत फेवरेट गेम है, जो कि है डेथ स्ट्रैंडिंग। इसको यहाँ पे मैंने बेंचमार्क करा है ऑन वेरी हाई सेटिंग्स, एंड यहाँ पे जो एंटी एलियासिंग उसको मैंने रखा है TAA के ऊपर। डेथ स्ट्रैंडिंग के अंदर हमको इजीली वेल ओवर 100 FPS मिल जाते हैं, एंड यहाँ पे मैं
आपको स्ट्रिक्टली रिकमेंड करूंगा कि आप इस गेम को मैक्स आउट सेटिंग्स पे खेलो, बिकॉज इसको भी अप्रिशिएट करना इन टर्म्स ऑफ ब्यूटी वो काफी बढ़िया चीज है। अब यहाँ पे जो नेक्स्ट गेम है वो है गॉड ऑफ वॉर, जिसके लिए एक्चुअली में गेमर्स काफी ज्यादा खुश हुए थे। एंड ऑनेस्टली बोलूंगा कि इसका जो पीसी पोर्ट है ना वो काफी ज्यादा अच्छा है। मैंने यहाँ पे काफी सारे ग्राफिक कार्ड को टेस्ट करके देखा इस गेम पे, एंड ये एक्चुअली में बहुत अच्छा काम करता है, अच्छे FPS देता है एंड काफी ज्यादा वेल ऑप्टिमाइज भी फील होता है। वेल इस वाले गेम को मैंने बेंचमार्क करा है ऑन हाई सेटिंग पीसेट, एंड यहाँ पे भी हमको इजीली वेल ओवर 60 FPS मिल जाते हैं। उसके बाद यहाँ पे जो नेक्स्ट गेम है वो है मार्वल गार्जियंस ऑफ द गैलेक्सी, इसको मैंने यहाँ पे टेस्ट करा है ऑन हाई सेटिंग पीसेट, एंड एक्चुअली में पहला गेम है जिसके अंदर मुझे सच में लैग एंड जिटर देखने को मिला। दो यहाँ पे एवरेज FPS 114 है, बट इसका जो 0.1% लोस थे ना वो एक्चुअली पे कम थे, तो ये चीज कंसिडर करने वाले तो मैंने आपको बता दी है। उसके बाद चलते नेक्स्ट गेम की तरफ, जो कि है कॉल ऑफ ड्यूटी ब्लैक ऑप्स कोल्ड वॉर, जिसको मैंने यहाँ पे बेंचमार्क करा है ऑन हाई सेटिंग्स, एंड यहाँ पे जो एंटी एलिजिंग है उसको मैंने रखा है हाई पे। इसके अंदर भी हमको इजीली 100 FPS मिल जाते हैं, एंड एक्चुअली में ये गेम भी काफी ब्यूटीफुल लुकिंग गेम है, तो इसको भी आप खेल सकते हो। उसके बाद चलते नेक्स्ट गेम की तरफ, जो कि है फोर्जा होराइजन 5, इसको मैंने चलाया है अल्ट्रा सेटिंग पीसेट पे, एंड यहाँ पे जो रेजोल्यूशन स्केल है उसको रखा है अल्ट्रा क्वालिटी पे। यहाँ पे FXAA को मैंने ऑन रखा है, एंड इस गेम के अंदर हमको देखने को मिलता है अराउंड 90 FPS का एवरेज विद स्ट्रॉन्ग 1% लोस। उसके बाद बात करते हैं यहाँ पे सबके फेवरेट गेम की, जो कि है वैलोरेंट, इसको मैंने यहाँ पे बेंचमार्क करा है ऑन हाई सेटिंग्स, एंड यहाँ पे जो एंटी एलिजिंग है उसको मैंने रखा है FXAA पे। इस वाले गेम के अंदर हमको वेल ओवर 200 FPS मिल जाते हैं, एंड अगेन क्योंकि ये कॉम्पिटेटिव गेम है तो अगर आप इसको 1080p पे चलाओगे थोड़ी सेटिंग्स को लो कर लोगे, बिकॉज जो कॉम्पिटेटिव प्लेयर्स होते हैं ना वो कभी भी हाई रेजोल्यूशन पे नहीं खेलते हैं और ना ही कभी मैक्स आउट सेटिंग्स पे खेलते हैं, उनको चाहिए होते हैं FPS बिकॉज उसके अलग ही बेनिफिट्स होते हैं। उसके बाद चलते हैं यहाँ पे नेक्स्ट गेम की तरफ, जो कि है कॉल ऑफ ड्यूटी मॉडर्न वॉरफेयर, जिसको मैंने यहाँ पे चलाया है ऑन हाई सेटिंग्स, एंड यहाँ पे एंटी एलिजिंग को रखा है फिल्मिक SMAA T2X पे। यहाँ पे हमको अराउंड मिलते हैं 70 FPS का एवरेज, एंड इसी के साथ साथ यहाँ पे जो नेक्स्ट गेम है वो है कॉल ऑफ ड्यूटी वॉरजोन, जिसको अगेन मैंने चलाया है हाई सेटिंग्स पे, एंड यहाँ पे एंटी एलिजिंग को रखा है फिल्मिक SMAA T2X पे। इसके अंदर भी हमको मिलते हैं अराउंड 90 FPS का एवरेज विद प्रीटी कंसिस्टेंट 1% लोस। उसके बाद यहाँ पे जो लास्ट गेम है वो है GTA 5, ये मैंने इंक्लूड इसलिए करा बिकॉज मैंने सोचा कि यार 20 गेम्स बेंचमार्क हो जाएंगे तो अच्छा लगेगा ना बोलने में थोड़ा, तो इस वजह से मैंने लिस्ट में डाल दिया। तो यहाँ पे इस वाले गेम को, जो कि है GTA 5, इसको मैंने चलाया है ऑन मैक्स आउट सेटिंग्स, मतलब के वेरी हाई टू अल्ट्रा सेटिंग्स, एंड यहाँ पे FXAA को रखा है मैंने ऑन पे। अब क्योंकि GTA 5 इतना पुराना गेम है, दिखने में अभी भी अच्छा लगता है बट स्टिल पुराना गेम है, तो इजीली आपको यहाँ पे वेल ओवर 150 FPS मिल रहे हैं। सबसे पहला जो गेम है वो है बैटलफील्ड 5, जिसको मैंने चलाया है हाई सेटिंग्स पे, एंड यहाँ पे मैंने DXR को रखा है हाई पे। इस वाले गेम को अगर हम कंपेयर करें ऑन दी बेसिस ऑफ RTX ऑफ वर्सेस RTX ऑन, तो इस सिनेरियो में यहाँ पे 82% का डिफरेंस है, मतलब के RTX ऑन करके इस गेम के अंदर आपको 82% परफॉर्मेंस पेनल्टीज देखने को मिलेंगी, या फिर RTX ऑफ के कंपैरिजन में या RTX ऑन में 82% स्लो परफॉर्म करेगा। उसके बाद चलते हैं पे नेक्स्ट गेम की तरफ, जो कि है Far Cry 6, जिसको मैंने चलाया है अल्ट्रा सेटिंग पीसेट पे। यहाँ पे एंटी एलिजिंग को रखा है TAA के ऊपर, एंड DXR रिफ्लेक्शन एंड शेडोज को रखा है ऑन पे। इस वाले गेम के अंदर जो डिफरेंस है वो आता है 18% का। अब आप समझ ही गए होंगे कि यहाँ पे 18% स्लो परफॉर्म करेगा RTX ऑन व्हेन कंपेयर टू RTX ऑफ। एंड एक चीज और कि आप यहाँ पे RTX ऑफ एंड RTX ऑन के VRAM कंजप्शन पे ध्यान देना, वो काफी इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं आपको ये स्ट्रिक्टली बोल रहा हूँ कि वहाँ पे ध्यान देना। उसके बाद चलते हैं पे नेक्स्ट गेम की तरफ, जो कि है Watch Dogs Legion, इसको मैंने चलाया है वेरी हाई सेटिंग्स पे, एंड यहाँ पे रे ट्रेसिंग रिफ्लेक्शन को रखा है हाई पे। इसके अंदर हमको मिलता है 85% का डिफरेंस। मैं आपको यहाँ पे एक टिप देना चाहूंगा कि अगर आपको रे ट्रेसिंग ऑन करके गेमिंग करनी है तो ट्राई करो कि आप सेटिंग्स को थोड़ा कम कर लो, जिसकी वजह से आपका जो ओवरऑल एक्सपीरियंस है वो स्मूथ हो जाए एंड आपको गेम खेलने में मजा भी आए एक्चुअली में। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट गेम की तरफ, जो कि है मार्वल गार्जियंस ऑफ द गैलेक्सी, इसको मैंने बेंचमार्क करा है हाई सेटिंग्स पे, एंड यहाँ पे रे ट्रेसिंग रिफ्लेक्शंस को रखा है हाई पे, एंड यहाँ पे इस वाले गेम के अंदर हमको मिलता है 56% का डिफरेंस। उसके बाद चलते हैं यहाँ पे नेक्स्ट गेम की तरफ, जो कि है साइबरपंक 2077, इस वाले गेम को मैंने बेंचमार्क करा है ऑन हाई सेटिंग्स, यहाँ पे मैंने रे ट्रेसिंग को रखा है ऑन पे एंड रे ट्रेसिंग लाइटिंग को रखा है मीडियम पे। इस वाले गेम के अंदर जो परफॉर्मेंस डिफरेंस है वो है 2.6 times, मतलब के बहुत ही बड़ा डिफरेंस है ये, मतलब मैं परसेंटेज में नहीं बता रहा टाइम्स में बता रहा हूँ, तो इसका मतलब बहुत बड़ा डिफरेंस है। उसके बाद चलते हैं पे नेक्स्ट गेम की तरफ, जो कि है Forza Horizon 5, जिसको मैंने बेंचमार्क करा है ऑन अल्ट्रा सेटिंग्स, एंड यहाँ पे जो रेजोल्यूशन स्केल है उसको रखा है अल्ट्रा क्वालिटी पे विद FXAA ऑन। यहाँ पे रे ट्रेसिंग क्वालिटी को रखा है हाई पे, एंड इस वाले गेम के अंदर जो डिफरेंस है वो है 6% का। अब यहाँ पे जो लास्ट गेम है वो है कॉल ऑफ ड्यूटी ब्लैक ऑप्स कोल्ड वॉर, जिसको मैंने बेंचमार्क करा है ऑन हाई सेटिंग्स विद एंटी एलियासिंग सेट टू हाई, एंड यहाँ पे रे ट्रेसिंग को भी मैंने सेट करा है टू हाई। इस वाले गेम के अंदर जो डिफरेंस आता है वो आता है अराउंड 50% का। तो ये है वो सारे बेंचमार्क जिसके अंदर मैंने आपको बताया है RTX ऑफ वर्सेस RTX ऑन, एंड आई होप कि आपको समझ आ गया होगा कि अगर आप रे ट्रेसिंग ऑन करके गेमिंग करने वाले हो तो आपको यहाँ पे कितना परफॉर्मेंस कम मिलने वाला है। एंड इसी के साथ चलते हैं यहाँ पे कुछ 3D मार्क स्कोर्स की तरफ। तो ये रहे सारे के सारे 3D मार्क स्कोर्स आपकी स्क्रीन पे।
अब बात करते हैं यहाँ पे कुछ प्रोडक्टिविटी बेंचमार्क्स के बारे में, जैसे कि वीडियो एडिटिंग एंड बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स। तो यहाँ पे जो सबसे पहला टेस्ट मैं करने वाला हूँ वो है वीडियो एडिटिंग का, एंड यहाँ पे मैंने यूज करा है Adobe Premiere Pro 2022, जिसके अंदर मैं फाइल यूज करने वाला हूँ वो है BRAW 6K, एंड यहाँ पे मैं इसको रेंडर करूंगा 2H.2646K, एंड यहाँ पे ये जो BRAW फुटेज है ये है 1 मिनट एंड 30 सेकंड्स लॉन्ग। इस फाइल को रेंडर करने के लिए मैंने यूज करा है सॉफ्टवेयर एनकोडिंग का, एंड यहाँ पे जो टाइम लिया गया है लैपटॉप की तरफ से वो है 3 मिनट्स एंड 41 सेकंड्स, जिसके साथ साथ जो मैक्सिमम CPU टेम्परेचर गए इस टाइम में वो था 95.3 डिग्री सेल्सियस विद द पावर कंजप्शन ऑफ 89.207 वॉट्स, एंड यहाँ पे जो मैक्सिमम GPU टेम्परेचर गया इस पूरे रेंडरिंग के टाइम पे वो था 55 डिग्री सेल्सियस। तो ये मैंने आपको सारी की सारी चीजें बता दी। अगर आप इसके अंदर एडिटिंग करने का सोच रहे हो तो आपको कुछ इस तरीके की परफॉर्मेंस देखने को मिलने वाली है। उसके बाद चलते हैं यहाँ पे नेक्स्ट सॉफ्टवेयर की तरफ, जो कि है हैंडब्रेक, एंड यहाँ पे हम करने वाले हैं वीडियो कंप्रेशन टेस्ट। तो यहाँ पे 4K वीडियो को हम कंप्रेस करेंगे टू 1080p, एंड अगेन यहाँ पे इसकी जो लेंथ है वो है 1 मिनट एंड 30 सेकंड्स, एंड यहाँ पे जो ट्रांसकोड यूज करा गया है वो है MP4 टू MKV, एंड यहाँ पे जो टाइम लिया गया है वो है 56 सेकंड्स, जो कि काफी इंप्रेसिव है ऑनेस्टली। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट सॉफ्टवेयर की तरफ, जो कि है कोरोना 1.3 बेंचमार्क। यहाँ पे इसने लिया है 1 मिनट एंड 37 सेकंड्स। उसके बाद यहाँ पे जो नेक्स्ट बेंचमार्क है वो है वीरे बेंचमार्क। यहाँ पे मैंने इस बेंचमार्क के अंदर जितनी भी चीजें थी सबको टेस्ट करा है, जैसे कि वीरे CPU, वीरे GPU एंड वीरे GPU RTX। यहाँ पे CPU टेस्ट के अंदर हमको जो वी सैंपल्स मिलते हैं वो है 10519, हमको यहाँ पे GPU टेस्ट के अंदर जो वी पार्ट्स मिलते हैं वो है 1014, एंड उसी के साथ साथ यहाँ पे जो GPU RTX टेस्ट है उसके अंदर जो वीरेज मिलते हैं वो है 1471। उसके बाद यहाँ पे जो नेक्स्ट बेंचमार्क है वो है ब्लेंडर बेंचमार्क 3.1.0। इस वाले बेंचमार्क के अंदर 3 सीन्स को रेंडर करा गया है, जो कि है मॉन्स्टर, जंक शॉप एंड क्लासरूम। मॉन्स्टर सीन ने लिया है 102 सेकंड्स टू रेंडर, जंक शॉप ने लिया है 61 सेकंड्स टू रेंडर, एंड क्लासरूम ने लिया है 48 सेकंड्स टू रेंडर। तो मैंने सोचा कि यार अब इतनी सारी बेंचमार्किंग करी है तो क्यों ना स्ट्रीमिंग भी करके दिखाई दे, तो मैंने यहाँ पे स्ट्रीमिंग भी करी है। एंड मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा कि यहाँ पे जो स्ट्रीमिंग एक्सपीरियंस था ना वो एब्सोल्युटली अमेजिंग था, कंसिडरिंग कि एक लैपटॉप है उसके बाद भी जो एक्सपीरियंस था वो काफी ज्यादा अच्छा था मेरा। अब यहाँ पे जो मैंने सॉफ्टवेयर यूज करा है स्ट्रीमिंग के लिए वो है OBS, एंड वहाँ पे जो मैंने एनकोडिंग टाइप यूज करी है वो है NVENC H.264 New, एंड बेसिकली जो मैं स्ट्रीम करने वाला हूँ जो कैनवस है वो है 1080p 60fps की स्ट्रीम। सारे ही गेम्स को यहाँ पे स्ट्रीम करा गया है विद 3000 kbps ऑफ बिटरेट। एंड यहाँ पे एक चीज और बताना चाहूंगा आपको कि सारे गेम्स को एक्चुअली में प्ले करा गया है ऑन 1440p, मतलब कि जो मैं खेल रहा हूँ वो 1440p में है, एंड जो आपकी जनता देखेगी वो 1080p पे, मतलब कि मुझे एक्चुअली में एक्सपीरियंस और अच्छा मिलने वाला है बिकॉज मैं 1440p पे खेल रहा हूँ, मुझे और शार्प वीडियो क्वालिटी देखने को मिलेंगे एंड मेरा एक्सपीरियंस और अच्छा होने वाला है। एंड बिकॉज ये काफी केपेबल लैपटॉप है, जैसे कि हमने देखा कि बेंचमार्क के अंदर भी इसने लेटेस्ट AAA टाइटल्स के अंदर भी इजीली वेल ओवर 60fps हमको डिलीवर करा है, तो उस हिसाब से भी हमारा जो एक्सपीरियंस है गेमिंग के टाइम पे वो बेकार नहीं जाने वाला। यहाँ पे जो सबसे पहला गेम है वो आप देख ही सकते हो, जो कि है डूम इटर्नल। इसको मैंने चलाया है नाइटमेयर सेटिंग्स पे, एंड सही बोलूंगा इस गेम को मजा आता है खेलने में ऑनेस्टली। स्ट्रीमिंग में बहुत मजा आया, स्ट्रीमिंग में जो आप पिक्चर क्वालिटी वो देख ही सकते हो, मुझे यहाँ पे गेमिंग के टाइम पे इवन आप स्ट्रीमिंग में भी देख पाओगे कि कोई भी लैग या फिर जिटर देखने को नहीं मिला इस गेम के अंदर। उसी के साथ साथ यहाँ पे जो नेक्स्ट गेम है वो है वॉच डॉग्स लीजन, जिसको मैंने चलाया यहाँ पे वेरी हाई सेटिंग्स पे, एंड अगेन इसका भी एक्सपीरियंस उतना ही अच्छा था जितना कि डूम इटर्नल का था। जैसा कि मैं आपको मल्टीपल टाइम्स बता चुका हूँ कि ये मेरा फेवरेट गेम है, तो इसको इतने टाइम बाद दोबारा खेलने में जो मजा आया है ना मुझे, ऑनेस्टली बोलूंगा वो स्पाइडर रोबोट बन के खेलना, ओ भाई मजा आ गया लिटरली। उसके बाद यहाँ पे जो मैंने लास्ट गेम को स्ट्रीम करा है वो है वैलोरेंट, जस्ट बिकॉज क्योंकि अभी एक ऐसा ट्रेंड चल रहा है जिसके अंदर वैलोरेंट बहुत सारे लोग खेलते हैं, तो उस चीज को यहाँ पे रेप्लीकेट करने के लिए मैंने सोचा कि अगर आप इस लैपटॉप को वैलोरेंट स्ट्रीमिंग के लिए भी ले रहे हो तो यहाँ पे आपके पास एक आइडिया होना चाहिए कि आपको कितने FPS कैसी स्ट्रीमिंग मिलेगी, कैसी क्वालिटी होगी, तो इस वजह से मैंने ये वाला गेम इंक्लूड करा है। इस वाले गेम को भी प्ले करा गया है ऑन हाई सेटिंग्स, एंड यहाँ पे आप देख ही पाओगे नो लैग नो जिटर, बटरी स्मूथ गेम प्ले, एंड ऑनेस्टली देखने वालों को भी मजा आएगा एंड खेलने वाले को तो और मजा आएगा। तो ये मैंने आपको यहाँ पे इसके स्ट्रीमिंग बेंचमार्क्स भी बता दिए। अब बात करते हैं कि यहाँ पे इसके जो GPU है उसको ओवरक्लॉक करके हम एक्चुअली में कितना और परफॉर्मेंस को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। अगेन मैं आपको यहाँ पे रेकमेंड तो नहीं करने वाला, मैंने एज अ रिव्यूअर ये सारी चीजों को टेस्ट करा है बिकॉज मेरा तो काम ही है, बट आप लोगों को मैं रेकमेंड नहीं करूंगा बिकॉज स्टॉक पे इतनी अच्छी परफॉर्मेंस मिल जाती है, एंड एक्स्ट्रा 7-8% इंक्रीमेंट के लिए जो टेम्परेचर हाई होंगे, जो पावर कंजप्शन बढ़ेगा, जो नॉइस लेवल्स बढ़ेंगी, आपको वो भी यहाँ पे चीज कंसिडर करके चलनी पड़ेगी, वो चीज ध्यान देना। अब जैसे कि जो ओवरक्लॉकिंग परफॉर्मेंस है उसको दिखाने के लिए जो मैंने सॉफ्टवेयर यूज करा है वो है यूनिजिन हेवन 4
4.0 एंड यहाँ पे जो सॉफ्टवेयर मैंने यूज करा है ओवरक्लॉक करने के लिए जीपीयू का वो है MSI Afterburner। पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि स्टॉक पे कितनी परफॉर्मेंस है सो दैट हमारे पास एक रेफरेंस पॉइंट बन जाए। एंड यहाँ पे जो स्टॉक पे कोर क्लॉक है वो है 1785 मेगाहर्ट्ज एंड यहाँ पे जो स्टॉक पे मेमोरी क्लॉक है वो है 6001 मेगाहर्ट्ज। यूनिजन हेवन 4.0 के अंदर जो स्कोर आता है वो है 1993 का एंड यहाँ पे जो FPS मिलते हैं वो है 79.1 FPS। अब उसी के बाद मैंने सोचा कि चलो ओवरक्लॉक करा जाए एंड यहाँ पे मैंने कोर में ऐड करा 150 मेगाहर्ट्ज एंड मेमोरी में ऐड करा 200 मेगाहर्ट्ज एंड उसके बाद ओवरक्लॉक करने के बाद यूनिजन हेवन 4.0 के अंदर जो स्कोर आता है वो है 2207 का स्कोर एंड जो FPS आते हैं वो है 84.7 FPS। अब यहाँ पे मैंने जो डिफरेंस लिया है वो लिया है ऑन द बेसिस ऑफ FPS एंड जो डिफरेंस आता है वो है 7% का। एंड एक चीज और, जरूरी नहीं है कि जो सेटिंग्स मैंने यहाँ पे कोर या फिर मेमोरी पे अप्लाई करी हैं वो सेम आपके लैपटॉप में भी अप्लाई हो जाएं। इट डिपेंड्स ऑन मल्टीपल फैक्टर्स, सो ये चीज भी ध्यान रखना। Asus के जो प्रोडक्ट है वो इसलिए तो अच्छे हैं कि वो अच्छी चीजें बनाते हैं, फिर काफी अच्छी क्वालिटी यूज करते हैं, डिजाइन काफी यूनिक होता है एंड हर चीज पे बहुत डिटेल दी जाती है। बट उनका जो सॉफ्टवेयर है जो कि है आर्मरी क्रिएट सॉफ्टवेयर, वो भी एक्चुअली में काफी रिफाइंड एंड काफी ज्यादा इंटरेक्टिव है। ऑनेस्टली इसका जो UI है वो काफी फ्यूचरिस्टिक टाइप दिखता है एंड बहुत सारा डेटा या फिर बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करता है इसके UI के अंदर। तो मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ कि कितने इन्फॉर्मेटिव UI है। आपको यहाँ पे GPU क्लॉक्स, CPU क्लॉक्स, RAM की स्पीड सब कुछ मेंशन मिलेगा। यहाँ पे प्री डिफाइंड फैन कर्व्स को आप सेट कर सकते हो। आपको यहाँ पे प्रॉपर सपोर्ट मिलेगा ऑरा सिंक इफेक्ट, जिसके अंदर जाके आप इफेक्ट्स एंड कलर्स को चेंज कर सकते हो। आपको यहाँ पे वॉलपेपर्स भी मिलेंगे जो कि काफी अच्छे दिखते हैं ऑनेस्टली। आपको यहाँ पे सपोर्ट मिलेगा ऑफ गेम विजुअल्स एंड प्री डिफाइंड प्रोफाइल्स विद मेनी मेनी मोर फीचर्स। तो देखो, मैंने इस लैपटॉप रिव्यू को बनाने में बहुत टाइम लगाया है एंड मैंने इसलिए टाइम लगाया बिकॉज ये मेरी स्टार्टिंग है लैपटॉप रिव्यूज की जर्नी के अंदर, ठीक है ना। मैं जैसे पीसी हार्डवेयर को रिव्यू करता हूँ मैंने काइंड ऑफ वही टच देने का ट्राई करा है इस वाली वीडियो के अंदर। मे भी शायद से वीडियो थोड़ी लंबी हो गई हो, बट आई विल मेक श्योर कि अगर मैंने कोई पॉइंट कवर करा है ना तो वो ऐसे ही कवर नहीं करा गया। उसका कोई मतलब है, उसको आपको समझाने का मतलब है। मैं ऐसी ठस्से में वीडियो नहीं बना देता ऑनेस्टली। मैं जो भी बात बोलता हूँ पूरी रिसर्च एंड पूरी टेस्टिंग के बेसिस पे बोलता हूँ अपनी वो भी। तो आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको कोई भी सजेशन है वीडियो के रिगार्डिंग तो कमेंट सेक्शन दो यार, मतलब कि दो नहीं, मतलब यहाँ पे जाके लिखो क्या दिक्कत है, क्या अच्छा लगा सब बताओ मुझे कमेंट सेक्शन में आके। बाकी और वीडियोस आती रहेंगी। अगर आपको Amazon से कुछ ही परचेज करना है तो नीचे के लिंक से परचेज कर सकते हो। एंड अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो सो प्लीज लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर एंड एज ऑलवेज आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू गाइस एंड बाय।